स्टार्स को तो आप लोगों ने फिल्म पे देख लिया है, उसके अलावा विक्रम है यहाँ पे और कुछ लोग हैं जैसे गोविंद नामदेव जी और अखिलेंद्र मिश्रा जी, अगर हमारे साथ वो गोविंद नामदेव जी और अखिलेंद्र मिश्रा इनके यहाँ भी गणपति हैं, नहीं आ पाए। जॉय सेन गुप्ता का फ्लाइट लेट है इसलिए हम नहीं दिखा पा रहे हैं आपको उनको, और इन सबको तो आप जानते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पर्दे पे नहीं होते हैं मगर पीछे होते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनमें से की रोल एक संदेश जी प्ले कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने म्यूजिक दिया है और म्यूजिक से फिल्म यहाँ से यहाँ पहुँच गई है। सो बिग हैंड फॉर संदेश जी, बिग हैंड फॉर संजय सूरी जी, तनिष्ठा जी, पूजा जी, गमन जी, एंड वन मोर पर्सन बिहाइंड द सीन्स जो कैमरे के पीछे जिन्होंने फिल्म को को डायरेक्ट किया है और बहुत ही खूबी से आगे बढ़ाया है, इस तन्वी जैन। एंड सबसे अहम भूमिका होती है जो आदमी पैसा देता है और बोलता है कि आप फिल्म बनाओ, अच्छे से बनाओ, वो काम आनंद चौहान ने किया है। ओके, आनंद चौहान फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और हमारी फिल्म के दो को प्रोड्यूसर हैं विनायक गवांडे जी और जयेश पारेख जी, वो नहीं हैं और मगर हम उन सबको याद करते हैं। और उनके अलावा बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे हमारे टीम में, रश्मि जी हैं, हेमा जी हैं, राहुल जी हैं, जीनत जी हैं, संजय भेटकर हैं, अमन हैं, सेमांतिक हैं और मुझे कौन दिख नहीं रहे हैं, किसी का नाम अगर छोटा हो तो बाद में फिर हम बताएंगे। तो वी विल गेट इनटू पैनल एंड द पैनल इज मोस्टली अबाउट द फिल्म, देयर एक्सपीरियंसेस एंड व्हाट अ फिल्म लाइक दिस नीड्स टू डू। आई पर्सनली फील, दो लाइन में बोल करके मैं पास ऑन करता हूँ, मुझे जो लगता है कि हम बहुत अच्छे समय से गुजर रहे हैं, इन द सेंस दैट सडनली इवन द गवर्नमेंट हैज़ टेकन नोट ऑफ इशूज लाइक दीज, और हमारे पास एक ऐसा पावरफुल मीडियम है सिनेमा, जो अगर आपने बना लिया है और उसमें इस कैलिबर के आर्टिस्ट्स हैं तो वो फिल्म बहुत लोग देखना पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं। और फिर फिल्म छोटी बड़ी नहीं होती है, सब्जेक्ट छोटा बड़ा होता है, और मेरे ख्याल से इस फिल्म का सब्जेक्ट शायद किसी ब्लॉकबस्टर से बहुत ऊंचा है। तो मेरे ख्याल से ये फिल्म के एक्सपीरियंसेस के बारे में और किस तरह का एक बदलाव ये फिल्म ला सकती है, ये सब हम बातें करेंगे। ये एक ऐसा जॉनर है जो रश्मि जी जानती हैं बहुत अच्छे से, हमारे इम्पैक्ट एडवाइज़र हैं, जो ये ऐसा जॉनर एक बनता जा रहा है फिल्म फॉर चेंज, जो कहानी होती है बहुत एंटरटेनिंग स्टोरी होती है मगर वो कुछ कहना चाहती है आपको, कुछ पहुंचाना चाहती है आप तक कुछ है। तो वो सब को लेकर के ये फिल्म में हम चाहते हैं कि आप जितने अच्छे से उसको लिखेंगे, जितने अच्छे से पेश करेंगे, उतने लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी और लोग आएंगे लाखों की तादाद में देखने के लिए। तो आप सबका उतना ही हाथ है जितना इन सब का हाथ यहाँ पे, और अब हमारे जो टीम है यहाँ पे, हमारे जो टीम नहीं है और आप लोग सबका किसका हाथ बड़ा है कम है कहना मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच। आई पास ऑन द माइक टू, वी विल स्टार्ट विद, लेट द क्वेश्चंस कम। ओके ओके ठीक है, तो पहले राउंड एक हम दो मिनट का कर लें एंड देन आई थिंक ठीक है, तो एक दो मिनट का, एक मिनट दो मिनट करके हम सबको माइक बढ़ा देते हैं, सो दैट यू हैव बेटर कॉन्टेक्स्ट, यू ऑल्सो हैव द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेलर एंड द सॉन्ग, तो और जो भी और प्रेस सर्कुलर वगैरह है आपके सामने, आप उससे उसके बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आई स्टार्टेड विद संजय सूरी। थैंक यू ब्रह्मा, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून आप सभी को, गणेश चतुर्थी की मुबारक। आप इस फिल्म का हिस्सा बन पाया, खुशकिस्मत हो, क्योंकि ऐसी कहानियों से जुड़ना एक ये आदमी एज एन एक्टर और ए प्रोफेशनल
अलग रीजंस के लिए करता है और ऐसा नहीं है दे टुक केयर ऑफ अस कम्प्लीटली, बट जैसे ब्रह्मा ने का कॉज जो आइडिया है फिल्म का कॉज सिनेमा, कभी कभी आप फिल्म देखते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं और आप उसको अपने साथ घर ले जाते हैं और आपके साथ वो फिल्म रहती है, उसका मैसेज या उसका कोई ऐसा सीन, कोई ऐसा इमोशन आपके साथ रहता है। पहले जब मैं भी बड़ा हो रहा था तो फिल्मों से निकलते थे, कोई राजेश खन्ना के स्टाइल में बाहर निकलता था, कोई राजकपूर साहब की वॉक में बाहर निकलता था, इतना असर होता था एक एक एक्टर की परफॉर्मेंस को देख के। और कभी कभी कोई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको सेंसिटाइज कर देते हैं, और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है बड़ों को तो ज़रूर देखना ही चाहिए। छोटी सी बात है, हम सब बड़े होना चाहते हैं जल्दी जल्दी, आप सब भी बड़े होना चाहते हैं कि हमें गाड़ी चलाने को कब मिलेगा, हम कॉलेज कब जाएंगे, हम मम्मी पापा से नहीं पूछना है कुछ भी वगैरह वगैरह। और मैं इतना आपको कह सकता हूँ जब हम बड़े हो जाते हैं हम हमेशा बचपन की बातें करते हैं, हम बचपन को याद करते हैं, तो उस बचपन में कुछ था जो बहुत जल्दी खो देते हैं। कल ही हम एक और कहीं एक शो पे गए थे तो सब कह रहे थे कि आपको ऐसा वाकया सुनाएं जो आपका बच्चा करता है, और सब इंसिडेंट्स ऐसे थे कि जब पेरेंट्स शर्मिंदा हुए क्योंकि वो बच्चों को सिखा रहे थे अब सच बोलो, लेकिन वो खुद ही छोटे छोटे झूठ बोलने लग जाते हैं। जैसे किसी का फोन आता है, उनको बोल दो मम्मी घर पे नहीं है, पापा घर पे नहीं है, वहाँ से एक छोटे बच्चे पिकअप करते हैं और कहते हैं आप तो हमें सच बोलना सिखाते हैं लेकिन आप खुद झूठ बोलते हैं। तो ये बहुत बारीकियाँ होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े हमको कैसे खराब करते रहते हैं। एक्चुअली हम सही आए थे इस दुनिया में, तो आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े बनते हैं। और अभी इनिशियली जब वेलकम किया तो हम बोला सॉरी 2 मिनट हो गए, बस 10 सेकेंड और कि बच्चा पार्टी तो बड़ी अच्छी चीज़ है। किसी कभी आपने सुना बड़ा पार्टी, बुड्ढों की पार्टी नहीं, बच्चा पार्टी। तो जो दिल तो बच्चा है जी, वो रहना चाहिए हमेशा, और हमेशा आई थिंक हम सबको भी अपना बचपन उसको पकड़ के रखना चाहिए और हिम्मत करनी चाहिए। जैसे झलकी ने की अपने भाई को ढूंढने में, हमें खुद मेहनत करनी चाहिए कि अपने बचपन को हम ढूंढें और बच्चों से उनसे कुछ सीखें। तो आई नो जब आप माँ बाप बनते हैं तो बहुत एक सेंसिटाइजेशन हो जाती है, लेकिन ये उन सब के लिए भी है जो अभी माँ बाप नहीं बने या बनने का सोच भी नहीं रहे। बस वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल वंडरफुल इनिशिएटिव एंड ऑफ झलकी। थैंक यू। संजय की एक्सटेंशन, मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे देश में एक्चुअली बच्चों को लेकर फिल्में और बच्चों के लिए फिल्में ये चीज़ें होती भी नहीं है ज़्यादा, बहुत बहुत मतलब बच्चों को जब हम दिखाने ले जाते हैं फिल्में तो ज़्यादातर वो हॉलीवुड की फिल्में ही दिखाते हैं। बट आई थिंक इस फिल्म की एक बहुत अहम खासियत है कि जबकि ये सब्जेक्ट बहुत सीरियस है लेकिन इसको जिस तरह से दिखाया गया है कि बच्चे भी रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि वो सेंसिटाइजेशन जो है वो बचपन से ही होना चाहिए, तभी जाके हम लोग रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स बन पाते हैं। क्योंकि ये कहानियाँ जो है जब तक हमारे पॉप कल्चर में नहीं होगा तब तक हम लोग सेंसिटिव होके ग्रो अप ही नहीं करेंगे। हमें लगता है कि अच्छा बच्चों के लिए हम लोग ये इस टाइप की कहानियाँ रखते हैं और बड़ों के लिए अलग कहानियाँ रखते हैं, ऐसा होता नहीं है। बच्चे बहुत शार्प होते हैं और उनको समझ आ जाती है चीज़ें। और मतलब इस फिल्म की ये खासियत है कि जैसे हम लोगों ने म्यूज़िक वीडियो में भी देखा है कि बच्चों को जिस ढंग से कहानी समझ में आए, कहानी उस ढंग से कही गई है। तो एक मतलब बहुत बेसिक भाई बहन के रिलेशनशिप में जो एक बेसिक इमोशन होता है उस थ्रेड को भी फॉलो किया गया है जो हर बच्चा भी रिलेट कर पाएगा। सो आई थिंक कि पॉप कल्चर के थ्रू भी हम लोगों को ये एक्सटेंशन जो है, ये सेंसिटाइजेशन जो है, ये
बच्चों में भी इनकल्केट करना चाहिए. और जैसे संजय ने कहा, आई कम्प्लीटली अग्री विथ हिम कि वो लोग बहुत शार्प, बहुत ओपन, बहुत सही पैदा होते हैं, फिर हम लोग उनको गलत कहानियां सुना के भी बिगाड़ देते हैं. तो उनको भी सही कहानी की एक्सपोजर जो है वो हमको बचपन से ही देनी चाहिए. और आई एम ऑल्सो रियली हैप्पी एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. और जो जो इम्पैक्ट और चेंज की बात हो रही है, मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह की फिल्मों का पार्ट होना मेरे लिए पर्सनल लेवल पे एक्चुअली इट हैज़ इम्पैक्टेड मी. कि मैं बच्चों के साथ जब काम करती हूँ और ये कहानियाँ सुनती हूँ, ये सब सुनने के बाद, इसके थ्रू जाने के बाद, मुझे उस ये पहली चीज़ ये कि मुझे पर्सनली इम्पैक्ट करती है. उसके बाद तो मैं बाकी लोगों को कह सकती हूँ कि देखो ये कहानी आप लोगों को इम्पैक्ट कर रही है कि नहीं. इस टाइप की फिल्में जो हम लोग जो इस फिल्म के पार्ट है, इसने मुझे पर्सनली इम्पैक्ट किया है और इस पर्सनल इम्पैक्ट की वजह से मैंने कुछ किया भी है ज़िंदगी में. सो आई मीन दैट इज़ माई पर्सनल दिस थिंग, आई डोंट वांट टू शेयर इट हियर, बट आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. कि जो लोग जुड़ के काम कर रहे हैं, कैसे ये कहानी हम लोगों को कैसे इसने इम्पैक्ट किया है पहले. नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, हम लोग कभी कभी अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे देश में या दुनिया में और क्या क्या हो रहा है. थैंक यू ब्रह्मा जी. जब ब्रह्मा जी ने मुझे फिल्म की कहानी सुनाई, तब मुझे कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में पता चला. क्योंकि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में बहुत हीरो हैं जिनको आप जानते हैं, और भी कुछ फील्ड्स में, लेकिन कुछ ऐसे हीरो हैं हमारे देश में जो हम कभी हमारे नज़रअंदाज कर जाते हैं, हमको पता नहीं चलता उनके बारे में. और जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं, उन्होंने ऐसे बहुत सारे छोटे बच्चे जो कभी स्कूल ही नहीं जा पाते, जो हमेशा बचपन से ही काम करते हैं और बहुत बुरे हालात में जीते हैं, उनको वहाँ से निकाल के उनको एक अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश की है और अभी भी कर रहे हैं. ब्रह्मा जी को मैं उसे थैंक यू बोलता हूँ कि उनके लाइफ के ऊपर उन्होंने ये फिल्म बनाई है. और बोमन ईरानी जी ने उसको बहुत खूबसूरती से उसको निभाया है. और क्योंकि अगर ऐसे कलाकार इस फिल्म में आएंगे तो ऐसे कॉज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीबडी, दिव्या जी एंड. कैलाश जी का हिस्सा छोटा है मगर इतना पावरफुल है कि वो आपको एक अलग लेवल पे ले जाती है. वेरी गुड मॉर्निंग सबको, गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं. सबसे पहले शुरुआत करूंगी हमारे डायरेक्टर से, ब्रह्मानंद सिंह. इनसे मेरा तारुफ हुआ था जब मैंने पंचमदाह की डॉक्यूमेंट्री देखी थी और इन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाला कि कौन शख्स है जिसने इतनी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री बनाई. और उसके बाद जगजीत सिंह जी की डॉक्यूमेंट्री देखी एंड एक मन में ये ज़रूर था कि इनके साथ काम ज़रूर करना है, बिकॉज अगर आपने देखी है वो डॉक्यूमेंट्री सभी की ब्यूटीफुल. एंड आई वॉज फॉर्चुनेट कि एक ऐसे सब्जेक्ट के लिए इन्होंने मुझे कहा इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए. जैसा संजय ने बहुत सही कहा कि हम जब बड़े हो जाते हैं अपना बचपन याद करते हैं, तो हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारे बचपन बहुत बचपन की तरह ही थे, जहाँ हमने शरारतें की हैं, हमें जो कभी मन किया कि हमें ये चाहिए हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया, हमने खेल कूद भी किया है, जहाँ पर डांट करनी है, मिस्टेक्स करनी है, एवरीथिंग दैट इज चाइल्डहुड, हमने वो सब किया है. लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें आप फिल्म में भी देखेंगे जो चाइल्ड लेबर में फंस जाते हैं और वो अपना बचपन ही नहीं जी पाते. सो कैलाश जी के जीवन पर ये जो कहानी, इनफैक्ट मुझे पर्सनली उनसे मिलने का मौका मिला एंड 50,000 से ऊपर कितने बच्चों को, 85,000 बच्चों को उन्होंने चाइल्ड लेबर से बचाया और आज भी कर रहे हैं. एंड ही हैज नोबेल प्राइज उन्हें उसकी वजह से मिला. और बिल्कुल पैशन उनका ऐसा है कि जान भी जोखिम में डाल के फिर भी बच्चों को बचा रहे हैं. और सबसे खूबसूरत बात, जब मैं उनकी डॉक्यूमेंट्री, उन पर जो बनी है एक डॉक्यूमेंट्री, वो देख रही थी, जो एक्चुअल बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी. पहले डर था कि हमें किस खौफनाक जगह से आप निकाल के नॉर्मल ज़िंदगी में वापस डाल रहे हो,
और पेरेंट्स जो अनश्योर थे कि अब हम इन्हें नॉर्मल चाइल्डहुड कैसे दें, लेकिन जो एक रिलीफ था कि नाउ वी आर फ्री, वो उस इंसान ने किया है. बबन हैज रियली डन सच अ फैबुलस जॉब ऑफ फ्रेइंग हिम एंड आई थिंक वी आर अ फैबुलस टीम हियर. बहुत हंसते खेलते मिर्ज़ापुर में हमने शूट किया, तन्वी हैज फोटो डायरेक्टेड इट. 48 डिग्री सेल्सियस तो लेकिन हंसी मजाक में बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी फिल्म बनी है एंड इट्स ऑल हार्ट. और जहाँ बच्चे होते हैं मुझे लगता है वहाँ एनर्जीज भी वैसी रॉ हो जाती हैं, आप सब अनलर्न कर लेते हैं. तो मुझे लगता है इन दोनों बच्चों को देखते देखते हम भी कहीं ना कहीं बचपन में गए एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड दैट इन द फिल्म व्हेन यू सी इट. सो या इट्स बीन ग्रेट. थैंक यू. हम लेंगे आपकी, थोड़ा ब्रेक करते हैं, बबन पे बाद में आते हैं. कपड़ों से मैच करते हुए पहले हम तन्वी और आनंद से और फिर थैंक यू. यस हाथी है मैं तो. Thank you everyone. Thank you for coming here on Ganpati Day, Chutti Day. And I'm so glad. Thanks to the entire cast for making it today. Aur sabne itni sari baatein kahi thi, ab kya bola jaye. We want to thank you. Yeah. Brahma to hum sabko control kar rahe the, wo Brahma ji ka kaam hai. हो जाएगा, चिंता मत करो. वैसे दोनों का स्वभाव बहुत ही बहुत सबर है. लाइट जा रही है, लाइट जा रही होती है, कभी कैमरामैन इतना काम है, दो सीन बाकी है, हो जाएगा, फिक्र मत करो. और इन्होंने सबर के साथ ही इस फिल्म को यहाँ तक लाए हैं और इतनी अच्छी तरीके से ये यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपके साथ मुलाकात का मौका मिल रहा है. हश हश नहीं है, दो बार ट्रेलर भी दिखाया है. नहीं मैं वाकई वेरी वेरी नाइस टू बी वर्किंग विद तन्वी, यू एंड ऑफ कोर्स ब्रह्मा द एंटायर टीम. थैंक यू. एंड आई आल्सो लाइक टू थैंक एंजल एक्सप्रेस जहां के बच्चे हमारे साथ हैं. वन राउंड ऑफ अप्लॉज. इनफैक्ट इसका ये फिल्म का हैशटैग है आई एम विद झलकी. एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हो गया है. ये सभी बच्चों ने टी शर्ट भी पहन रखी है आई एम विद झलकी, बट इट्स बिकमिंग ए बिग मूवमेंट. And that is also the place from where we got Aarti, Jhalki, Hamari Jhalki. Aarti, come here. Please come here. So, thanks to them and. Okay. और Aarti और Gorakh फिर हम अलग से भी सब. And Gorakh. Yes. The little star. Yes. Star, yes. Namaste. मुझे एक लगता है कि हमारे समाज में हमेशा बोला जाता है बच्चे मन के सच्चे या बच्चे कल के नागरिक है. बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है. एनजीओस अपना अपना काम करते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट जो होते हैं बॉलीवुड के वो सपोर्ट में आ जाते हैं. बट मुझे लगता है कि ब्रह्मा जी ने एक ये खुद का एक सपना देखा ये झलकी के मूवी में और वो 27 को पूरा होने वाला है. तो जिस तरह से उनका एक सपना है और उसमें एक हम लोगों को एक पार्ट होने का एक मौका मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए. क्योंकि बहुत सी बार मूवी प्रोड्यूस करना तो पहले उसका कमर्शियल एंगल देखा जाता है और बाकी सारी चीज़ें देखी जाती है. बट मुझे लगता है कि जब ऐसे कॉज के लिए अवेयरनेस के लिए कुछ करना हो तो मुझे लगता है ब्रह्मा जी जैसा एक विजन होना चाहिए. कैलाश सर है और पूरी जो कास्ट है इन्होंने जिस तरह से कोऑपरेट किया हुआ है वो बहुत बड़ी बात है. मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मराठी में एक मूवी आई थी जो रितेश देशमुख ने प्रोड्यूस की थी, बालक पालक, और वो किड्स और पेरेंट्स इनके रिलेशनशिप पे थी. तो 2013 में बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी, बहुत अच्छी तरह से चली. मैंने उसके राइट्स लिए और उसको तेलुगु और तमिल में बनाया. और ये ऐसी बात हुई है कि अभी सेकंड प्रोजेक्ट भी बच्चों के ऊपर ही है, तो मुझे लगता है कि यही कुछ एसोसिएशन है जो आगे चलते रहेगा. और आप प्लीज़ हमें आपके आशीर्वाद रखिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच. राजा बैठ.
गुड मॉर्निंग सबको, गणेश चतुर्थी शुभकामनाएं सबको. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू, आप सबने जो भी कहना था बोल दिया, तो मेरे लिए लास्ट में कुछ रखते हैं. लेकिन मैं ये कहूँगा, एक दिन मैं 2 साल पहले मैं बैठ के मैं मेरी फिल्म लिख रहा था खिड़की के पास, और मैं वहीं पे कुछ टाइपिंग कर रहा था, मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि वी वुड लाइक यू टू बी पार्ट ऑफ अ फिल्म व्हिच इज अबाउट चाइल्ड लेबर. तो मैंने देखा और मैं मुझे थोड़ा टाइम लगता, आप आज भी जानते टाइम लगता जवाब देने में व्हाट्सएप. फिर से फ्लैश हुआ वही, तो मैंने एक हाथ से जवाब दिया. आई थिंक आई जस्ट रोट डन, आई डोंट नो व्हाई, मुझे मालूम नहीं है. मुझे बहुत टाइम लगता है जवाब देने में, मेरी बीवी फोन करती है तो तब मैं तुरंत जवाब देता हूँ इसके अलावा. लेकिन मैंने बोला डन और तुरंत ब्रह्मानंद का फोन आया. ओ थैंक यू थैंक यू, बोला या डन. सो आर यू श्योर, आप मजाक तो नहीं कर रहे? बोले बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा. और मैंने कहा कि कितने दिन कहाँ पे शूट करना है. बात मुझे कुछ पता नहीं था कि इस फिल्म इट इज अबाउट चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर. And that's all that matters. I still remember one line from your response message ki, I want to do this film irrespective of anything else, and I'm not even bothered about my positioning in the film. That was your words, and I think that was amazing. Aur jab main inko jis din hum shoot kar rahe the, and he was supposed to come for his schedule from the next morning, I was not able to go and meet him or receive him that day. And मैंने पूछा कि होप एवरीथिंग इज ओके, एंड हिज लाइन वाज डोंट वरी दिस इज अ प्रेसिडेंशियल सुइट कंपेयर्ड टू व्हाट कैलाश सत्यार्थी द पर्सन आई एम प्लेइंग मस्ट हैव एंड्योर्ड इन हिज लाइफ. सो आई थिंक दीज आर अमेजिंग थिंग्स कमिंग फ्रॉम समवन ऑफ द स्टैचर ऑफ बोमन ईरानी जी, एंड इट जस्ट मेक्स वर्क सो मच मोर प्लेजर एंड पर्पसफुल. आई थिंक एट द एंड प्लीज कंटिन्यू सर. अब मैं बोलूं तो जब मैं गया मिर्जापुर, तो दिस वंडरफुल पीपल वो ऑलरेडी देयर, उनका काम ऑलमोस्ट खत्म होने को आया, और मैं वहां पे पहुंचा तो मिर्जापुर में मैं आई थिंक 45-47 डिग्रीज थे गर्मी, और मैं रूम में गया और मैंने वो लड़के को पूछा एसी ऑन करो ना यार. बोला ऑन ही है. बोला नहीं कुछ नहीं हो रहा है. तो उसने खिड़की खोली, एसी वैसे क्या. बोला वेरी नाइस. तो और ब्रह्मानंद का फोन आया, बोला आई एम सॉरी, आई होप इट्स कंफर्टेबल. बोला नहीं बहुत अच्छा, नो प्रॉब्लम. जो कैलाश जी ने लाइफ में किया है और जहां जहां पे गए हैं और रुके हैं और रहे, उसके सामने ये तो प्रेसिडेंशियल स्वीट जैसा लग रहा था मुझे सचमुच. और फिर मैं शूटिंग पे गया दूसरे दिन सुबह, और मेरे कान में ब्रह्मानंद आके कह रहे, किसी को बताना नहीं आप यहाँ क्या कर रहे हैं. तो क्या बोलूं, मैं धूल खाने थोड़ी आया हूं यहाँ पे. बोला नहीं नहीं नहीं, थोड़ा यहाँ पे रिस्की है. बोला मैं कहाँ फंस गया, मैंने डन बोल दिया तो ये डन ही हो गया. तो मैं कहाँ फंस गया, बोले I'm joking. मैंने ऐसे सोचा नहीं था, लेकिन मैं ऐसे सोचो, सोच तो आती है ना यार. तो बोला ऐसे ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि कोई, तो मैं देख रहा हूँ सचमुच है, what's going to happen? कोई आके तोड़ फोड़ तो नहीं करे, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे ना सेट पे. तो can you imagine, मैं मुझे मालूम नहीं था कि ये क्या होने वाला है यहाँ पे, ये मिर्जापुर क्या जगह है, इतनी धूल है मिर्जापुर में, पूछो इतनी धूल, जितने आसमान में जितने तारे उतनी धूल मिर्जापुर में. सॉरी बोलना नहीं चाहिए, सॉरी, ऐसे हमारा देश का हिस्सा है, इट्स वेरी डस्टी प्लेस. और आई सेड टू माय सेल्फ, ये तो मुझे मालूम नहीं था मैं पहुंच गया, अगर मालूम होता तो आई डोंट नो. लेकिन कैलाश जी ये सब जानते हुए भी एक टाइगर की तरह घुस जाते हैं इसी जगह में, और बच्चों को बॉन्डेड लेबर से बचा के बाहर ले गया. मैंने इतने सारे इंटरव्यूज मैंने लाइफ में कभी नहीं दिए, लेकिन कैलाश जी के बारे में मैंने इतने बहुत इंटरव्यूज दिए, बहुत बोलते जाता था. आखिर में someone said, so what is he? I said, he is like a true life hero. आपने कहा जैसे, he is a true life, he is like Batman.
He saves people, he saves children, he saves these beautiful faces. और मुझे ये impact बाद में पता चला कि I am involved with two of बहुत सारे organizations जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन दो खास करके, एक है Don Bosco Shelter जो orphans और street children को जहाँ पे रखते हैं, और मैं 10-15 साल से उसे वो organization को support करता हूँ, और एक है आकांक्षा जो children underprivileged children get a good education. Okay, but this blew my mind. ये तो education की बात तो दूर रह गई. ये तो it's not even like a jail. It's not even like a jail. It is much worse than that because these children have lost their entire childhood completely. And we are sitting over here and we are only talking about it. And Brahman, thank you for making the movie and bringing this much awareness. And I think it is our duty that if Kailash ji, the great Kailash ji, can do what he does in Brahmanand, in your own way you do what you do. हम क्या करें? तो दो चार दिन गर्मी में क्या हमने बर्दाश्त किया? क्या किया हमने? I think we should do much, much more. I think all of you can help us and help these kids to do as much as you can to spread the word. It is your duty as Indians to spread the word that this is what is happening today, and we have just one Batman. एक ही बैटमैन खादी में पहन वन बैटमैन. एंड आई फील दैट जब मैं इंटरव्यूज देता था, आप ये पिक्चर में क्या करें, आप प्लेइंग कैलाश किया, पहले तो मेरा चेस्ट इतना स्वेल हो जाता था और मुझे बहुत बुरा लगता था जब बहुत सारे पत्रकार मुझे पूछते कैलाश कौन, दैट्स सैड, इज अ नोबेल प्राइज विनर, ओनली वन फ्रॉम इंडिया टू हैव वन द पीस प्राइज, नोबेल प्राइज विनर. पीपल से कैलाश कौन. आज थोड़ा बहुत लोगों को एक अवेयरनेस आई ये पिक्चर के बाद, बहुत बहुत बातें की लोगों ने कैलाश जी के बारे में. आई जस्ट वॉन्ट टू टच हिज फीट, शेक हिज हैंड, टेक हिज ब्लेसिंग. और अपने बच्चों और बचपन के बारे में बात की, और आप बोले कि बड़े हो जाते हो, बचपन याद आता है. आई थिंक वी शुड डू मोर देन दैट. मैं सचमुच कहता हूँ, मैं आज भी बचपन की याद नहीं आती मुझे. मैं अपने अंदर जो बच्चा है, जैसे छलकी अपने भाई को ढूंढती है, मैं वो अंदर के बच्चे को ढूंढ रहा हूँ आज. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much, everyone. But we continue. We open the Sawal Jawab from whoever wants to ask questions. आप सबको पहले बहुत बहुत मुबारकबाद इस तरह की फिल्म बनाने के लिए. और बिल्कुल सही कहा गया कि जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं, बड़ी चुनिंदा फिल्में बनती हैं, या मैं तो कहूँगा बनती ही नहीं है. अब आई वॉन्ट एवरी वन टू टेक इट ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट. और जो स्टार कास्ट इस वक्त मौजूद है, चाहे मैं दिव्या की बात करूँ, मोहम्मद सर की बात करूँ, धनिष्ठा की बात करूँ, या संजय सूरी साहब की बात करूँ, ये वो स्टार कास्ट है जो मुख्तलिफ फिल्मों में नजर आती है और इसी तरह के सोशल मुद्दों में. कैसे आप लोग सब एक ही जगह पहुंच जाते हैं, पहले तो ये जानना चाहूंगा. I'll start with संजय. I think जहां आपकी एक जैसे भवन जी ने कहा, आप अपने बच्चे को खोज रहे हैं, राइट? जब आप कुछ भी खोज रहे होते हैं, कुछ सीख कर रहे होते हैं, कुछ चीज आपको मिलती है और वो आपका एक्चुअल चित्त होता है जो आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं, और आप वही एडवोकेट भी करते हैं और आप अपनी ज़िंदगी भी वैसी जीते हैं, तो फिर चीज़ें आपको अट्रैक्ट करने लग जाती हैं. आप नहीं जाते कहीं पर, वो खुद कहते हैं ना, यू अट्रैक्ट, यूनिवर्स स्टार्ट्स कंस्पायरिंग, यूनिवर्स स्टार्ट्स कंस्पायरिंग. सो बचपन में सीखा नहीं था ये वर्ड कंस्पायरिंग. नहीं, एक्चुअली कंस्पायर तो बहुत दूर था, बट तो जो जैसे आपकी सोच या बदलने लगती है, या एक्चुअली अपने कोर से कनेक्ट होते हैं, फिर ऐसा ऐसा आपको वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करने लग जाती है और खुद ही आपको वैसे मैसेजेस आते हैं और वैसे फिल्म मेकर्स भी आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, तो आप एक हिस्सा बन जाते हैं उस. तो कुछ देखिए, मैं अपने करियर का बोल सकता हूँ कि इसको कंपेयर कीजिए बुफे के साथ, ठीक है? कईयों को फुल बुफे मिलता है, स्टार्टर मिलता है, सैलड्स होते हैं, मेन कोर्स मिलता है, दाल, वेजिटेरियन में 4 ऑप्शन, नॉन वेज में 10-12 ऑप्शन, फिर डिजर्ट में 5-6 ऑप्शन. तो कभी कभी मेरे करियर में स्टार्टर भी खत्म हो गया था कभी कभी चीजें, तो या खाते हैं वही भिंडी या कहीं, अब हमने खानी वो दाल है, मुझे वो हजम नहीं होता वो मटर,
तो फिर वही जो चाहिए वही मिल जाता है और किचन चल जाता है और आत्मा भी तृप्त हो जाती है। मुझे लगता है कि जो कहानियाँ हैं वो अपने किरदारों को ढूंढ कंक्लूड कर दिया उन्होंने। सो संदेश इट्स आल्सो कॉल्ड वर्किंग योर लाइफ नॉट बाय गोल्स बट बाय इंटेंशन। सो व्हाटएवर इज योर इंटेंशन यू एक्चुअली समथिंग कम्स अप व्हिच सूट्स दैट। Yes, and I have never worried about goals because that journey is very important. आज भी हम जो हमने 20-30 दिन या 10 दिन मिर्जापुर में बिताए जो उनका भी तजुर्बा रहा वो याद है। अब वो goal तो आप आपका सफर मंजिल में है कि मंजिल सफर में है उसको समझ लीजिए। बहुमन सर आपसे पूछना चाहूँगा अस्थाना से लेकर लक्की सिंह जो किरदार आप जीते हैं हम बहुमन ईरानी को याद नहीं रखते हम किरदार साथ ले जाते हैं। वीर शस्त्र बुद्धि 3 इडियट की मैं बात करूं वीर शस्त्र बुद्धि कैलाश जी का किरदार निभाना जो मैनरिज्म आप कैरी करते हैं जब आपको लगेगा कि हाँ लक्की सिंह ऐसे ही बात करेगा सरदार ऐसे ही बोलेगा कैलाश जी को क्या आपके कोई वर्कशॉप वगैरह हुई थी क्या मुलाकात हुई और कितना मैनरिज्म उनका आपने सीखा या इत्तेफाक नहीं हुआ उनसे मिलने का? बहुत सारे वीडियो देखे थे जितने भी वीडियो आई थिंक यूट्यूब पे मैंने बहुत बार देखी लेकिन मैंने मैंने एक्टिंग में एक चीज सीख लिया है कि हम मैनरिज्म्स में और बॉडी लैंग्वेज में और शक्ल और मेकअप या जो भी उनका लुक जो होता है किसी भी किरदार का उस पर ध्यान देंगे तो अंदर में जो बैठा हुआ इंसान जो है वो कभी भूल जाते हैं। तो वो सब तो ठीक है वो तो गार्निश है डेकोरेशन है। अगर मैं कैलाशी की आवाज़ में अगर बात नहीं भी करूँ ना और मैं कोई पतली आवाज में बात करूं तो भी चल जाएगा। वो क्या कह रहे हैं और उनकी सोच क्या है उनका वर्ल्ड व्यू क्या है उनका स्पिरिट क्या है और उनका इंटेंशन क्या है लाइफ में अगर वो समझ में आए ढंग से तो फिर आप कुछ भी उनका इमिटेशन करो आवाज निकालो उनकी चाल उनकी उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ भी आप उसको इमिटेशन कहते हैं। हमें इमिटेशन नहीं करना है हमें उस इंसान का जो स्पिरिट और सोल है वो प्रेजेंट करना है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वीरू सहस्त्रबुद्धे है कौन और उसका बॉडी लैंग्वेज मतलब किसने देखा है वी डोंट केयर आई डोंट नो हु द पर्सन इज आई नो व्हाट ही थिंक्स और क्या सोच है उनकी और वो सोच गलत है सही है वो ढूंढना है हमें। और कैलाश जी के बारे में तो सोच तो पता ही है हमें पहले से ही और मैंने 3 कैलाश जी देखे उसमें तीन कैलाश जी जितने भी वीडियोस में एक कैलाश जी जो बैटमैन बन के घुस जाते हैं और बच्चों को ऐसे चलो 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 इट्स लाइक आई हेट टू यूज द वर्ड इट्स लाइक अ थ्रिलर एक्शन फिल्म इट इज लाइक एन एक्शन फिल्म जो भाग रहे बच्चों को खून से लथपथ कैलाश जी मार खाते हैं और उनके जो हेल्पर्स हैं उनके जो वॉलंटियर्स हैं दे आर रनिंग फ्रॉम इट्स लाइक एन एक्शन फिल्म। वो आपको स्टंट डायरेक्टर को दिखाएंगे कोई शूट करके दिखाओ नहीं कर पाएंगे। It is that high-powered action जो लोगों को निकालते हैं aggressively बात करते हैं। फिर एक जो है जो बच्चों के साथ बैठ के बात करते हैं ऐसे बात करते हैं जैसे खुद बच्चे। That's the second part of Kailash ji. The spirit that I is the statesman जो यहाँ पे या Nobel Prize award winning 26 countries where he works. Where he works जो बात करते हैं public को और press को और उनकी जो वर्ल्ड व्यू है वो समझाते और लोगों को इंस्पायर करते। देयर आर 3 ग्रेट फेसेस ऑफ द ग्रेट मैन कैलाश। तो मैं उनकी इमिटेशन क्या है जितना वो कर सकता है मैंने किया है मैं इतना भी अच्छा एक्टर नहीं हूँ लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है वो कर लिया है मैंने लेकिन इफ आई पे अटेंशन टू दैट आई मिस हिज सोल एंड आई नॉट वॉन्ट टू रिस्क मिसिंग हिज सोल बाई डूइंग एन इमिटेशन ऑफ हिज वॉइस। How did you select the child actors and did you take auditions of many children and would you be applying the film for tax-free status or some award functions yes. and festivals? So, so ये सारी चीज़ें हैं। So, audition का तो एक normal process होता है हमारे casting directors होते हैं और हम भी ढूंढते रहते हैं तो उसमें से हमने बहुत लोगों को shortlist किया था करीब 150 लोगों को shortlist किया था फिर उससे 28 को किया 28 से 12 को किया तो उस तरह से
ये झलकी का रोल जो प्ले किया है आरती, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग झलकी वाज थर्ड और फोर्थ इन टर्म्स ऑफ द प्रायोरिटी, मगर कहीं ना कहीं वो जो 15 दिन का जो वर्कशॉप हम कर रहे थे जॉयस एन गुप्ता, रतुल तिवारी, ये सब के साथ, उसमें ये लड़की ऊपर उठते गई और ऐसा ऊपर उठी कि हमें पता चल गया कि ये यही है जो कर सकती है। और आप उसको ऐसे देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, मगर आप अभी कैमरा चला दो और देखो वो बदल जाती है एकदम। शी इज अ पावर हाउस परफॉर्मर एंड सेम थिंग विद अदर लिटिल किड गोरख। सो ये दोनों को हमें बहुत ही प्यार से हमने सिलेक्ट किया और उसके बाद वर्कशॉप करके जो एक दोनों ही लगभग मतलब शुरू के 2-3 दिन में थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगा, पर एक बात कर गई तो 5-6 वीक का शेड्यूल और फिर उसके बाद उतना टेम्परेचर में काम करना, बट क्या खूबसूरती से उन्होंने काम किया। टैक्स फ्री यस, सो टैक्स फ्री स्टेटस जनरली 2 वीक पहले अप्लाई करना पड़ता है फिल्म रिलीज होने से पहले, और 1 वीक के बाद टैक्स फ्री एप्लीकेबल होती है, पहले वीक में कहीं नहीं देते हैं। तो वो हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और आप सबका साथ चाहिए, जितना आप इसके बारे में लिखेंगे उतना हमें सपोर्ट मिलेगा, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 स्टेट में। और संजय हैज सम थॉट्स अबाउट इट। हाँ, तो ये हम लगे हुए हैं, थोड़ा सा चल रहा है अभी, आई थिंक 1-1.5 वीक के बाद हम फिर से इसके पीछे पड़ेंगे। फिल्म फेस्टिवल्स में भी जाएंगे? फिल्म फेस्टिवल जाना शुरू हो गई है, अप्रैल से फिल्म फेस्टिवल्स शुरू हुए हैं, करीब 6-7 फेस्टिवल गए हैं, 3-4 और सामने हैं, और मेरे ख्याल से 1 साल तक करीब ये इसका सिलसिला चलते रहेगा। हमारे पास 8 अवार्ड्स ऑलरेडी हैं, मतलब नॉट दैट इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बट इट्स समवेयर, इट्स अ रिकॉग्निशन ऑफ द वे पीपल सी द फिल्म, और सबसे ज़्यादा आई थिंक द काइंड ऑफ डिफरेंस दैट इट्स मेकिंग, द वे पीपल आर रिस्पॉन्डिंग एवरीवेयर, चाहे इंडिया हो या बाहर हो। बच्चों के साथ हमने स्क्रीनिंग किया है, बड़ों के साथ रिजल्ट मोर ऑर लेस सेम नजर आ रहा है, एवरीवेयर थिंक्स इट्स अ पार्ट प्रैक्टिकल। मैं इस सवाल पे थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ, बट एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म की आपके सवाल को, क्या आप इस फिल्म को टैक्स फ्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं? ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए, जो फिल्म सेंसर होती है, कि कौन सी फिल्म उस टैग के लिए काबिल है कि नहीं, क्योंकि जब तक फिल्म मेकर जद्दोजहद करके एक तो रिलीज करता है, और जैसे उन्होंने कहा आपको रिलीज से पहले टैक्स फ्री चाहिए होता है। मेरी खुद एक फिल्म थी माई ब्रदर निखिल, जब मैंने अप्लाई किया कहते जी अब तो पोस्टमार्टम हो रहा है, अब तो फिल्म तो चली गई है थिएटर से, अब क्या करना। मैंने कहा कहीं कुछ चल रही, कहते जब तक होगा तब तक चिड़िया चुप गई खेत। तो जैसे बाकी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट टैक्स फ्री कर देती है, मल्टीप्लेक्सेस को 5 साल की हॉलीडे मिली थी, जब सेंसर होती है फिल्म एक कमेटी वहाँ हो सकती है, ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, इस फिल्म को टैक्स फ्री देना चाहिए, तो ये जिम्मेदारी मैं वापस गवर्नमेंट की तरफ थोप रहा हूँ, और उनको एवेल्युएट करना चाहिए कौन सी फिल्म, क्योंकि फिर और फिल्में बनेंगी, हौसला अफजाई होगी, लोग फिल्म मेकर्स प्रोड्यूसर्स पैसा डालने में कतराएंगे नहीं, और फिर जैसे एक्टर्स को कास्ट भी कर लेंगे, कमर्शियल इम्पैक्ट हो या ना हो, बट आई फील ये गवर्नमेंट को CBFC के साथ ही डिसाइड कर लेना चाहिए, इस फिल्म का इम्पैक्ट इतना हो सकता है, इसको टैक्स फ्री किया जाए, इसको देश के कोने कोने में दिखाया जाए, चाहे वो मोबाइल थिएटर हो चाहे मल्टीप्लेक्स हो, ये फिल्म बिल्कुल टैक्स फ्री की जाएगी। दैट्स ऑल, कमिंग बैक टू द फूड, सॉरी, वेरी नो वेरी वेरी वेल पुट। आई थिंक एक सेंसर के टाइम में एक एटलीस्ट ये अगर हो जाए कि दिस फिल्म इज इन दैट कैटेगरी वेयर यू कैन अप्लाई, उसके बाद फर्दर स्क्रीनिंग हो सकती है, वो इवैल्यूएट कर सकते हैं, हां, तो एक प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज इट रिमेंस लाइक नॉकिंग ऑन। एक सुझाव है ये बस। बहुत अच्छा, और सवाल मोहन, जैसा कि आप शुरुआत में ही बता रहे थे कि इतनी बड़ी विडंबना, आयरनी है कि कैलाश चतुर्वेदी जैसे महान शख्सियत के बारे में लोगों को बताना पड़ता है, आप इंटरव्यू में उनके बारे में जब आपने सुना तो आपको आश्चर्य हो रहा था। लोग बोलते हैं कि जो फिल्म्स होती हैं वो समाज का आईना होती है, क्या आपकी फिल्म से वो समाज का आईना दिखा पाएगी, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड लेबर के ऊपर क्या वो मानसिकता में बदलाव आएगी? दूसरा सवाल ब्रह्मानंद जी से है, जहाँ हर तरफ मसाला और एक्शन और हल्की फुल्की वो कॉमर्शियल फिल्में बन रही हैं,
उस जगह पर ऐसी फिल्में बनाकर वो कितनी बड़ी चैलेंज है, कितना बड़ा चुनौती है कि दर्शकों को थिएटर तक लेके आने का? सर आप पहले बताओ। मेरा ये मानना है, मैं ब्रह्मानंद जी का सवाल का जवाब दूंगा। मेरा ये मानना है कि आई डू नॉट नो कमर्शियल सिनेमा, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि हम कमर्शियल सिनेमा ही बनाए। एंड आई थिंक पीपल हिंदुस्तान में दो ही तो आउटलेट है पब्लिक के लिए, एक क्रिकेट है और एक सिनेमा है, और एक बहुत ज़रूरी है कि पीपल शुड गो टू द सिनेमा, हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड लाफ, गो होम, इट्स फाइन। Without commercial cinema, I feel we may not be able to make smaller movies. And this is not a small movie, it's a big movie, because the impact that it needs to make, it will make. It does not have to be a blockbuster to make an impact. The impact is, we were talking to the fine lady over here, we need to make an impact to the people who need to see it. And I think that is what is the approach. So it's very important that Samaj, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, बट इट डज नॉट हैव टू बी अ ब्लॉकबस्टर। हमने कह रहे कि ये ब्लॉकबस्टर्स को रिप्लेस करनी चाहिए। हम कहते हैं कि ब्लॉकबस्टर्स को भी रहनी चाहिए। एवरीबॉडी, देयर इज अ होल इंडस्ट्री दैट इज दैट इट्स देयर सर्वाइवल, इट्स देयर रोजी रोटी, और उसमें कोई बुराई नहीं। मैं हर तरह की पिक्चर करता हूँ। यू डू सम फॉर द किचन एंड यू डू सम फॉर द सोल, और वो जरूरी है। ओनली किचन अच्छा नहीं, ओनली सोल भी अच्छा नहीं, कभी कभी किचन भी जरूरत होती है। तो सो दैट आई थिंक आंसर्स बोथ द क्वेश्चंस इफ यू वांट टू ऐड टू इट, बट दिस फिल्म विल मेक एन इंपैक्ट। सब लोग कल चाइल्ड लेबर बंद नहीं होने वाला, पर एक अवेयरनेस है। कैलाश सत्यार्थी के बारे में जो लोग कल 10 लोग जानते हैं, लाखों लोग जानते हैं आज। दैट्स ऑल, इट्स मेंट टू डू व्हाट इट्स मेंट टू डू।